नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। आज बात करेंगे हम नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरे के बारे में। देखिए, ये वीडियो सबके लिए जरूरी है देखना, जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, अगर कोई प्रोडक्शन हाउस से जुड़े हुए हैं या डीओपी हैं, क्योंकि अगर आप इन कैमरों के बारे में जान जाते हैं तो आप किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए अगर कोई वेब सीरीज बनाने जा रहे हैं या फिल्म बनाने जा रहे हैं तो आप इन्हीं कैमरों का यूज जरूर करिए। क्योंकि अगर नेटफ्लिक्स से अप्रूव्ड कोई कैमरा है तो उसे मैक्सिमम हर ओटीटी प्लेटफॉर्म एक्सेप्ट करेगा ही करेगा, यानी हर ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए ये कैमरे एक्सेप्टेबल होंगे। इसमें हम दो हिस्से में बात करेंगे। अगर आपका प्रोडक्शन बड़ा है, आप बड़ा प्रोडक्शन कुछ करना चाहते हैं, तो जो हाई बजट के कैमरे होते हैं नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड, उनके बारे में बताएंगे। और दूसरा, जो लो बजट, यानी अगर आपका कम बजट है लेकिन आप चाहते हैं कि नेटफ्लिक्स में आपका जो कंटेंट है वो जाए, तो उसके लिए कौन कौन से कैमरे यूज कर सकते हैं जो काफी कम बजट में उपलब्ध है, उसके बारे में बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले हाई बजट कैमरे की तरफ चलते हैं। हाई बजट कैमरे में पहला नाम हम लेंगे, अच्छा पहले मैं ये बता दूं कि ये जो भी हाई बजट कैमरे के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरे के बारे में, ये मैक्सिमम जो कैमरे हैं, लगभग सभी कैमरे एनामॉर्फिक कैप्चर के लिए ये अप्रूव्ड होते हैं, यानी इसमें आप एनामॉर्फिक लेंस लगा करके एनामॉर्फिक शूटिंग कर सकते हैं। हाई बजट के कैमरा रेंज में जो पहला नाम हम लेंगे वो है एरी एलेक्सा का। नेटफ्लिक्स ने एरी के तीन कैमरे को अप्रूव किया है, जिसमें से पहला है एरी एलेक्सा LF, दूसरा है एरी एलेक्सा LF मिनी और तीसरा है एरी एलेक्सा 65। ये तीनों कैमरे काफी अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, और एरी का अगर है तो इसकी जो क्वालिटी है वो सुपर होना ही है, क्योंकि ये तीनों कैमरे हाई रेंज के कैमरे हैं। इससे ऊपर एरी ने अभी कोई कैमरा लॉन्च नहीं किया है। आगे आने वाले कैमरे डेफिनेटली वो एरी का जो भी होगा वो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड कैमरा ही निकालेंगे। और पहले जो दोनों कैमरे हैं, यानी LF और LF मिनी, उसमें जो पिक्सल होते हैं, जो इफेक्टिव पिक्सल्स होते हैं, वो 4.5K का होता है, यानी इसका रेजोल्यूशन 4.5K का होता है। इसमें जो फॉर्मेट आप यूज करेंगे वो है एरी रॉ और दूसरा है प्रोरेस का 4:4:4। इस पर अगर आप शूटिंग करते हैं तो ये नेटफ्लिक्स से अप्रूव्ड होगा। अब आते हैं हम अपने दूसरे कैमरा सेगमेंट की तरफ, यानी हाई बजट में ही दूसरा कैमरा है रेड का। रेड में बहुत सारे ऑप्शन है जिससे आप नेटफ्लिक्स के लिए शूटिंग कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स के लिए कोई प्रोग्राम या कंटेंट बना सकते हैं, फिल्म बना सकते हैं, वेब सीरीज बना सकते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम लेंगे 8K कैमरों का। रेड के जो 8K कैमरे हैं वो इस तरह से है, वेपन, मॉन्स्ट्रो, ड्रैगन, हेलियम। इफेक्टिव पिक्सल इसके 8K का है। इसमें जो फॉर्मेट यूज करते हैं वो है रेड को ड्रॉ, जिसे R3D भी कहते हैं आप। तो रेड में अब आते हैं 6K पर, यानी ये 8K का सारे हो गया। और इसी नाम से आपको 6K में भी कैमरे मिलेंगे, और वो कैमरे हैं 6K में वेपन, ड्रैगन, एपिक ड्रैगन, ड्रैगन X। इनका जो इफेक्टिव पिक्सल होते हैं वो 6K का होता है, फॉर्मेट जो है रेड कोड रॉ होता है, यानी R3D इसमें भी होता है। तो इस तरह से आपने 8K और 6K का देख लिया। इसी पर आपको रेड का 5K का भी वर्जन आ जाता है। रेड 5K कैमरे के जो अप्रूव्ड मॉडल हैं वो है एपिक W जेमिनी, रेड स्कारलेट, रेड रेंजर जेमिनी। इनका इफेक्टिव जो पिक्सल्स है वो है 5K, और इसमें भी फॉर्मेट आप यूज करेंगे रेड कोड रॉ, यानी R3D। अब आते हैं पैनाविजन पर। देखिए, पैनाविजन का सिर्फ एक कैमरा ही अप्रूव्ड हुआ है, और वो कैमरा है पैनाविजन DXL2। इफेक्टिव पिक्सल रेट इसमें 8K का आएगा और फॉर्मेट रेड को ड्रॉ। अब आते हैं हम सोनी पर। देखिए, सोनी में दो कैमरे के बारे में बताएंगे जिनका यूज आप किसी भी नेटफ्लिक्स कंटेंट के लिए आप कर सकते हैं। हाई बजट के कैमरे में बता रहा हूं पहले, तो इसमें सबसे पहला नाम है वेनिस। देखिए, अब वेनिस 2 भी आने जा रहा है जो कि डेफिनेटली नेटफ्लिक्स से अप्रूव्ड होगा, लेकिन वेनिस पिछले 2-3 सालों से धूम मचाया हुआ है और बहुत सारे सीरीज नेटफ्लिक्स के लिए और अदर OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए इस पर बने हैं। वेनिस के लिए हमने अलग से एक हमने वीडियो भी बनाया है जिसमें वेनिस 2 के बारे में बात किया गया है और वेनिस के बारे में बात किया गया, उस वीडियो को जरूर देखिए। और इसका जो इफेक्टिव पिक्सल्स है वो है 6K और इसका फॉर्मेट है रॉ और XOCN XAVC-i। इस फॉर्मेट पर आप इस पर शूट कर सकते हैं। और जो दूसरा कैमरा है वो है सोनी F65। इसका इफेक्टिव पिक्सल रेट है 4K एंड 8K। इसमें भी फॉर्मेट F65 रॉ आता है और XAVC-i आता है। अब आते हैं हम पैनासोनिक पर। पैनासोनिक में तीन कैमरे मिलेंगे जो हाई बजट के हैं, हाई रेंज के हैं, और इस पे अगर आप शूट करते हैं तो नेटफ्लिक्स के लिए आप हाई बजट के, हाई प्रोडक्शन वैल्यू के आप कंटेंट बना सकते हैं। इनमें जो कैमरा है पैनासोनिक ने, जो सिनेमा कैमरा बनाया है, उसका नाम दिया है वेरिकैम। वेरिकैम में तीन मॉडल है, पहला है वेरिकैम 35, दूसरा है वेरिकैम LT और तीसरा है वेरिकैम प्योर। इन तीनों का जो इफेक्टिव पिक्सल है वो 4K का ही है और फॉर्मेट इसमें V-RAW और AVC इंट्रा 4K का चलता है। यानी आप पैनासोनिक के जो वेरिकैम कैमरे का कोई भी मॉडल लेंगे तो उसमें यही दो फॉर्मेट पर आप शूट कर सकते हैं और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है। और लास्ट में बात करते हैं कैनन का।
तो कैनन में जो हाई बजट के कैमरे हैं जो नेटफ्लिक्स से अप्रूव्ड हैं वो हैं कैनन C500 Mark II, C700 एंड C700FF। इन तीनों का जो इफेक्टिव पिक्सल है वो 4K एंड 5.9K का है। फॉर्मेट इसमें कैनन रॉ यूज होता है या प्रोरेस HQ 4K का। और अब आते हैं लो बजट कैमरा जिसे नेटफ्लिक्स ने अप्रूव किया है, जिसका इंतजार आप भी कर रहे थे सुनने के लिए, क्योंकि इस पर अगर आप कोई भी कंटेंट शूट करते हैं तो इसे आप नेटफ्लिक्स के अलावा किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए पिच कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं कैनन से। कैनन का EOS C70, इसका इफेक्टिव पिक्सल्स है 4K और फॉर्मेट इसमें XF/AVC 4K का यूज होता है। ये कैमरा काफी हैंडी है, बहुत छोटा है और सिंपल सी बात है, मिररलेस कैमरे की तरह है। और इस कैमरे पर आप सिनेमा का सारा काम कर सकते हैं, यानी सिनेमा लेंस आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही कोई भी कैमरा अप्रूव नहीं हो जाता है नेटफ्लिक्स से। अब आते हैं पैनासोनिक पर। पैनासोनिक में मैं दो कैमरे के बारे में बताऊंगा जिसे नेटफ्लिक्स ने अप्रूव किया और जबरदस्त क्वालिटी है। जिसमें पहला मॉडल जो है पैनासोनिक का वो है पैनासोनिक S1H, जिसका इफेक्टिव पिक्सल्स है 4K और इसमें फॉर्मेट जो अप्रूव है वो है 422 ऑल आई 400 Mbps। और दूसरा कैमरा है पैनासोनिक का ही BGH1, इफेक्टिव पिक्सल है 4K, फॉर्मेट है 422 ऑल आई एंड 400 Mbps इसका भी है। ये दोनों जो कैमरे हैं, इन दोनों कैमरे में आप बेहतरीन रिजल्ट पा सकते हैं और बजट भी इसका काफ़ी ज़्यादा नहीं है और इसमें आपको लेंसेज के भी बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ये समझ लीजिए कि अगर आप कैनन का ले रहे हैं कैमरा या पैनासोनिक का, दोनों का ही लगभग क्वालिटी और जिसको आउटपुट है एक जैसा है। फिर भी मैं बोलूँगा पैनासोनिक में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें मिल जाएंगी जिसके बारे में हम अलग वीडियो बनाकर बताएंगे कि S1H में आपको क्या मिल सकता है, और पैनासोनिक इस तरह के दूसरे भी कुछ मॉडल्स लेकर के बहुत ही जल्दी आने वाला है। चलिए अब आते हैं सोनी पर। सोनी पर भी मैं दो कैमरे के बारे में बताऊंगा, एक का तो हम दो मॉडल अलग अलग बताएंगे, जिसमें पहला है FS7। काफ़ी सालों से ये FS7 चला आ रहा है और FS7 ने कई कैमरा डीलर्स को बहुत अमीर बना दिया, क्योंकि FS7 बहुत ज़्यादा हिट था और FS7 के बाद FS7 का मार्क टू आया। ये दोनों कैमरे बढ़िया है और इन दोनों कैमरे को नेटफ्लिक्स ने अप्रूव किया। इसका जो इफेक्टिव पिक्सल है वो है 4K और फॉर्मेट इसमें XAVC-i 4K का है। तो इसमें आप दोनों कैमरे, चाहे वो मार्क टू में करिए या FS7 जो पहले वाला था, वो दोनों में ही, FS5 भी आया था लेकिन FS5 को नेटफ्लिक्स ने अप्रूव नहीं किया लेकिन FS7 को अप्रूव किया है। और मुझे बड़ा आश्चर्य है क्योंकि ये कैमरा इतना नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं, FS7 मैरिज में भी बहुत यूज़ हुआ है लेकिन इसको नेटफ्लिक्स ने अप्रूव किया। और इसकी क्वालिटी अगर इसको आप ग्रेड कर लेते हैं बढ़िया से, इसका जो लॉग फाइल को अगर ग्रेड करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। अब आते हैं सोनी का जो दूसरा कैमरा है, इसके बारे में हमने कई वीडियो में इसका उल्लेख किया है, जो पिछले ही साल रिलीज हुआ है, वो है FX6। डेफिनेटली FX6 एक अल्टीमेट कैमरा है कम बजट में, जिसमें आप वो सारे काम कर सकते हैं जो एक नेटफ्लिक्स कंटेंट बनाने के लिए आप कर सकते हैं। सोनी FX6 का जो इफेक्टिव पिक्सल है वो है 4K और फॉर्मेट है XAVC-i 4K का है। अब आते हैं हम ब्लैक मैजिक पर। देखिए ब्लैक मैजिक के साथ एक अजीब सी बात हो गई कि ब्लैक मैजिक के किसी भी पॉकेट सिनेमा कैमरे को अप्रूव नहीं किया है नेटफ्लिक्स ने। तो अगर आप पॉकेट सिनेमा कैमरा लेकर के बनाने जा रहे हैं नेटफ्लिक्स के लिए तो वो बिल्कुल नहीं लेंगे, अप्रूव नहीं करेंगे वो कंटेंट, क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए ब्लैक मैजिक का उर्सा का। उर्सा का दो मॉडल का नाम हम बताएंगे यहाँ पर, एक है ब्लैक मैजिक का उर्सा मिनी और दूसरा है ब्लैक मैजिक का उर्सा प्रो। देखिए दोनों ही 4.6K का इफेक्टिव पिक्सल रेट में है और इसका फॉर्मेट ब्लैक मैजिक रॉ पर चलता है। ब्लैक मैजिक का अपना रॉ फाइल है जिसको अगर आप द विंची रिजॉल्व पर अगर ग्रेडिंग करते हैं तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलता है। और इसके साथ ही एक और कैमरे का नाम हम लो बजट में बताएंगे। ये लो बजट तो काफ़ी नहीं है, ये मिड बजट में आप कह सकते हैं, लो से थोड़ा ऊपर है। वो है रेड का ही एक और मॉडल जिसका नाम है रेड कोमोडो। इसके बारे में भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को देखिए, उसके बारे में डिटेल में मिल जाएगा। इसका जो इफेक्टिव पिक्सल है वो है 6K का और इसका फॉर्मेट भी वही है रेड कोड रॉ यानी R35। इसमें HQ और MQ दोनों ही फाइल आप लेकर के कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ये सारे जो कैमरे हैं ये लो बजट में आपको बेहतरीन कैमरे के बारे में बताया जो नेटफ्लिक्स से अप्रूव्ड है, यानी इस पर अगर आप फिल्म बनाते हैं तो आप सिनेमा हॉल में भी दिखा सकते हैं, नेटफ्लिक्स जैसे और OTT प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें हैं, वो क्या है उसके बारे में बताने जा रहा हूं। यानी उसके लिए आपको नेटफ्लिक्स कैप्चर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होगा। वो क्या है एक एक करके समझते हैं। पहला है इंडिविजुअल सेटिंग्स फॉर ऑल कैमरा मॉडल्स। देखिए हर एक कैमरा मॉडल्स के लिए इंडिविजुअल सेटिंग दिया हुआ है, आप नेटफ्लिक्स के वेबसाइट पर जाएंगे,
और अपना कैमरा मॉडल लिखेंगे तो उसका सेटिंग का तरीका बताएगा कि इसमें आप कैमरा शूटिंग करने से पहले इस ढंग से सेट करेंगे। उसमें कलर स्पेस वगैरह बीट वगैरह के बारे में सब चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको सेट करना है और बहुत ही ईजी है, उसको देख करके आप सेटिंग करेंगे। ये अगर आप डायरेक्टर हैं तो आप DOP को बोलेंगे, अगर आप DOP हैं तो पूछ लीजिए कि क्या ये नेटफ्लिक्स के लिए जा रहा है, तो उस पर ही सेटिंग करके आप उसकी रॉ फुटेज को या लॉग फुटेज को, लॉग फाइल को आप निकाल कर देंगे। दूसरा जो पॉइंट है वो है रेजोल्यूशन का। इसमें मिनिमम 2 4K USD की जरूरत होती है। USD यानी अल्ट्रा हाई डेफिनेशन, यानी मिनिमम 4K USD होना चाहिए। इससे ऊपर का अगर आप शूट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 6K 8K 12K पर करिए, वो तो नेटफ्लिक्स लेगा ही, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है 4K USD। तीसरा है कैप्चर फॉर्मेट। कैप्चर फॉर्मेट जब भी आप करेंगे रॉ पर करेंगे, जैसे कि XOCN, रेड कोड या एरिडो। अगर कंप्रेस पर जाना चाहते हैं तो आपको XAVC पर जाना होगा, AVC इंट्रा पर जाना होगा, या बेस्ट है प्रोरेस पर जाना, या फिर iFrame कैपेबल कोई भी फॉर्मेट आप ले सकते हैं। मेरे ख्याल से प्रोरेस बेस्ट है। अगर आप कंप्रेस पर जाना चाहते हैं तो प्रोरेस से बेटर कोई नहीं है। प्रोरेस पर जाइए, 422HQ पर जाइए, या प्रोरेस पर 4444 पर जाइए। इस पर अगर आप शूट करते हैं तो ये कंप्रेस होने के बावजूद भी, 4444 तो कंप्रेस नहीं होते, लेकिन अगर 422HQ पर भी जाते हैं तो कंप्रेस होने के बावजूद भी इतना बढ़िया क्वालिटी देता है कि इसको हर एक OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के सहित इसे अप्रूव करता है। फोर्थ पॉइंट है मिनिमम लॉग प्रोसेसिंग। मिनिमम लॉग प्रोसेसिंग इसका 10 बिट होना चाहिए, यानी मिनिमम 10 बिट पर आप इसको कैप्चर करेंगे। अगर 12 बिट पर अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन्हें 10 बिट तो चाहिए। 8 बिट पर आप नहीं कर सकते। 8 बिट पर किया हुआ कोई भी शूटिंग कितना भी अच्छी क्वालिटी क्यों ना हो, ये अप्रूव नहीं करेगा। 10 बिट पर आपको देना होगा। नेक्स्ट है मिनिमम डाटा रेट। इसका जो मिनिमम डाटा रेट है वो है 240 MBPS, यानी जो डाटा रेट ट्रांसफर रेट होता है वो 240 MBPS से कम नहीं होना चाहिए। 240 MBPS या उससे ज़्यादा का डाटा रेट होना चाहिए, जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन आपके वीडियो में निहित रहे। 6th पॉइंट है नो लुक्स और कलर करेक्शन शुड बी बेक्ड इन टू द ओरिजिनल कैमरा फाइल्स। जो भी ओरिजिनल कैमरा फाइल्स है उसमें किसी भी तरह का अलग से बेक किया हुआ कलर ग्रेडिंग नहीं होना चाहिए, यानी कोई टोन दे दें, कोई कलर को बढ़ा दें, गामा को कम कर दें या ज़्यादा कर दें, या वाइट बैलेंस में आप कुछ छेड़छाड़ करें, ऐसा नहीं चलेगा। वो ओरिजिनल फाइल ही चाहिए, उसमें कुछ भी बेक किया हुआ, बेक मतलब सेंका हुआ या उसको तला हुआ, जिसको कहते हैं बेक होता है ना, बेकरी जैसे बेक करते हैं, बेक करके उसको गर्म करके देते हैं, तो उस तरह से कोई भी सिग्नल में आपको जो वीडियो सिग्नल है उसमें कोई छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, उसको ओरिजिनल रखना है। जो भी करना है कलर ग्रेडिंग पर करना है, यानी पोस्ट पे करना है। और लास्ट है यूज ऑफ नॉन अप्रूव्ड कैमरास। कोई भी कैमरा, जो भी आप नॉन अप्रूव्ड कैमरा है, अगर आप नेटफ्लिक्स से अप्रूव नहीं है तो ऐसे कैमरे अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये पूरे फुटेज, जो भी एडिटेड पोर्शन है, फुटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, एडिटेड पोर्शन है पूरे पिक्चर का, उसका 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपने ड्रोन यूज़ किया तो ड्रोन में हो सकता है अप्रूव्ड ड्रोन ना हो, माने आपने रेड को या मिनी को, आपने एरी अलेक्सा मिनी को नहीं उड़ाया, आप दूसरे कोई 4K का लिया, तो उस पर भी अगर आप काम कर रहे हैं तो उस पर आप 10% से कम होना चाहिए। POV शॉट ले रहे हैं या एक्शन कैमरे का यूज़ कर रहे हैं या अंडर वाटर कोई काम कर रहे हैं तो उसमें जिन कैमरों का यूज़ किया जाता है वो मिनिमम 4K का होना चाहिए। अगर अप्रूव नहीं है तो की बात कर रहे हैं तो 4K का तो मिनिमम होना ही चाहिए, और ये पूरे जो पार्ट है फिल्म का उसमें 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मान के चलिए कहीं ज़रूरत पड़ गया कि भाई आपको CCTV का कैमरा दिखाना है, तो वहाँ पर जो कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम 4K का होना चाहिए और उसका जो पोर्शन है काफ़ी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा आपको उनकी फुटेजेस की ज़रूरत है तो अप्रूव कैमरे को ही उस जगह पर लगाएं जहाँ CCTV लगाना है, या आप POV शॉट लगा रहे हैं, पॉइंट ऑफ व्यू शॉट लगा रहे हैं, या अंडर वाटर आप शूट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा शूट कर रहे हैं, तो आप ओरिजिनल जो अप्रूव्ड कैमरा है उसी को लगाइए। अदरवाइज 10% का तो छूट दिया ही हुआ है। हाँ, कुछ कंटेंट ऐसा है जहाँ पर कुछ परसेंटेज अगर आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह के कैमरे आप यूज़ कर सकते हैं, हाई बजट या लो बजट में, और उनमें क्या क्या चीज़ें, सावधानियाँ आपको बेसिक तौर पर रखनी पड़ेगी। इन सारे कैमरों को देखने के बाद निश्चित तौर पर आपको भी मन कर रहा होगा कि नेटफ्लिक्स या किसी भी बड़े OTT प्लेटफॉर्म के लिए कोई कंटेंट बनाए, कोई वेब सीरीज बनाए, कोई फिल्म बनाए, तो आप इन कैमरों का यूज़ कर सकते हैं। चाहे आपका बजट लो हो या हाई हो, हर तरह के कैमरे के बारे में हमने इस वीडियो में बताया है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप निश्चित तौर पर कमेंट के जरिए मुझे बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। हमसे आप किसी भी तरह के समस्या का समाधान ले सकते हैं, आप पेड या अनपेड कंसल्टेंसी भी हमसे ले सकते हैं। नमस्कार। क्या आप फिल्म मेकिंग करना चाहते हैं? या इससे जुड़े किसी करियर को अपनाना चाहते हैं?
आपके माइंड में कहानी तो है पर उसे आप प्रोफेशनली लिख नहीं पाते, है ना? एक प्रोफेशनल डायरेक्टर बनना चाहते हैं पर शुरुआत कैसे करें? या फिर आपको भी कमर्शियल सिनेमेटोग्राफर या एडिटर बनने की तमन्ना है, तो आइए मेरे साथ सीखते हैं प्रोफेशनल फिल्म मेकिंग डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री। और हाँ, अगर आप चाहते हैं तो हमारे वर्ल्ड क्लास इफ्टा ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डीजी फिल्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा जानकारी के लिए 7303030270 पर एक कॉल करिए। याद रखिए, डीजी फिल्मिंग यानी फिल्म मेकिंग एनसाइक्लोपीडिया।